वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास परमजीत सिंह भट्टी, पिंड डसका, जिला संगरूर, तहसील लहरा गागा। हर ऐतवार नू पिंड डसके दे विच आपां मरीजां नू मिलदे आं, जिहड़े छोटियां तो लैके वड्डियां बीमारियां दे नाल कई कई सालां तो जूझ रहे है, ठीक नहीं हो रहे, दवाइयां खा खा के अक थक चुके है, फिर भी ठीक नहीं हो रहे, सेहत दी पैसे दी बर्बादी हो रही है। तां उह हर ऐतवार नू पिंड डसके दे विच मैनू मिल के अपनी नब्ज दिखा के देसी जड़ी बूटियां भस्मां दे नाल बनिया हुई दवाइयां दे नाल गरंटी दे नाल अपने रोगां दा इलाज करवा सकते हैं। ये जिहड़ा डसका पिंड है, ये संगरूर जिले का पिंड है, तहसील जिहड़ी है वह लहरा गग है। इस पिंड दे नेड़े नेड़े शहर ने जिहड़े, बुलाडा शहर भी बिल्कुल नेड़े है, लहरा गागा शहर भी नेड़े है, बरेटा शहर भी नेड़े है, सुनाम शहर भी नेड़े है, ये शहर नेड़े नेड़े है। बाकी आप हर ऐतवार नू पिंड डसके दे विच सवेरे 7 बजे तो लैके शाम दे 7 बजे तक मरीजा नू मिलदे आ। तुसी मैनू मिल के अपनी नब्ज दिखा के देसी जड़ी बूटियां नाल हर एक रोग का इलाज गरंटी दे नाल करवा सकते हो। अज जिस विषय च मैं तुहाडे सामने आया वो है गले नाल संबंधित रोग। नुक्सा एक है, दवाई एक है, पर इहदे नाल रोग ने जिहड़े ओह अनेकां ठीक हो जाने। सो तुसी जिन्हां नूं भी गले दे विच, सब तो पहलां किसे दे गले पै जांदे आ, टॉन्सल कह दिंदे आ जिहनूं असीं, गले पक जांदे आ। इसे तरह ही थायरॉयड है जिहड़ा, ग्रंथियां वधणियां जां फुलणियां घटणियां सुंगड़नियां, थायरॉयड दा रोग है जिहड़ा ओह हो गया। इसे तरह ही गले दे विच रसौलियां हो जांदियां ने, इसे तरह ही गले नूं अधरंग मार जांदा हैगा, गले दे विच जख्म ने, जां आवाज़ है जिहड़ी ओह बैठ जांदी है, आवाज़ दब रही है। इसे तरह ही साह वाली जिहड़ी नाड़ है जां खाने वाली नाड़ है, उहदे विच कोई किसे भी तरह की कोई प्रॉब्लम हैगी तां गिल्टियां ज़्यादा ने गले दे विच, गले दे विच रेशा ज़्यादा बनता है, गले दे विच खराश ज़्यादा रहिंदी है, गला सुकदा ज़्यादा है। गले दियां जिन्नियां भी प्रोग्रामां ने, गले दे विच, गल दे विच जिन्ने भी रोग आंदे है, उन्हां सारे रोगां दा इलाज इक्को दवाई दे नाल गरंटी नाल तुसीं घरे बैठे भी कर सकदे हो, ऐतवार नूं सानूं मिल के अपना इलाज करवा भी सकदे हो। सो इहदे विच जिहड़ियां दवाइयां लैणियां ने, जड़ी बूटियां लैणियां ने, महापुरशां वल्लों दस्सिया होया नुकता हैगा, झोली दे विच तुसीं पा लो। अगे भी जरूर दस दिया करो, अगे वीडियो नू शेयर कर दिया करो, चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो, तां जो हर एक दा भला आपां कर सकीए रल मिल के। सो आपां इहदे विच जिहड़ियां चीज़ां लैणियां ने वह नोट कर लो। मगां छोटियां ने जिहड़ियां वह लैणियां ने, 50-50 ग्राम चीज़ां लै लियो, मगां छोटियां 50 ग्राम, मगां वड्डियां 50 ग्राम, अकरकरा ईरानी 50 ग्राम, पाण दी जड़ है जिहड़ी ओह 50 ग्राम, मलठी लैनी है 50 ग्राम, तुलसी काली दे रामा तुलसी कहने आ जिहनूं, उहदे बीज लैने आ 50 ग्राम, काली मिर्च है जिहड़ी ओह लैनी है 50 ग्राम, बच है जिहड़ा ओह लैना है 50 ग्राम, मूंगी दी दाल है जिहड़ी ओह लैनी है 50 ग्राम, ते हरड़ है जिहड़े छोटी काबली हरड़ कह दिंदे आ जिहनूं असीं, ये लैनी हैगी 50 ग्राम, बहेड़ा भी 50 ग्राम लैना है, आंवला भी 50 ग्राम लैना। इस तरह ही बोड़ का दुध है जिहड़ा, बड़ का दुध, बुड़ का दुध, ये भी 50 ग्राम लैना है, बासा काला है जिहड़ा वह भी आप 50 ग्राम लैना है, सुंड है जिहड़ी वह भी आप 50 ग्राम लैनी है, अड़ूसा मिल जूगा तुहानू ये भी 50 ग्राम लैना है, सौंफ 50 ग्राम लैनी है, अनार दे सुके हुए छिलके ने जिहड़े वह भी आपने 50 ग्राम लैने है, धतूरे दे शुद्ध किए हुए बीज ने जिहड़े वह भी आप 50 ग्राम लैने है, जौंखार भी 50 ग्राम लैनी है, नागर मोथा जिहड़ा वह भी 50 ग्राम लैना है, काकड़ा सिंगी है जिहड़ी वह भी 50 ग्राम लैनी है, सोमलता है जिहड़ी वह भी 50 ग्राम लैनी है, गलोए का सत है जिहड़ा ये भी तुसीं 50 ग्राम लैना है।
चरहता मिल जूगा तुहानू, इह वी 50 ग्राम लैणा है। तवा शीर वधिया इह वी 50 ग्राम लैणी है। देव दारू है जिहड़ा इह वी 50 ग्राम लैणा है। पोकर मूल है जिहड़ा इह वी 50 ग्राम लैणा है। कचूर है जिहड़ा इह वी 50 ग्राम लैणा है। ते नेत्र बल है जिहड़ी इह वी 50 ग्राम लैणी है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 3 ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। 1 ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ 1-1 ਚਮਚ ਦਵਾਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਥਾਇਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਥਾਇਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਧਦਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਮ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੇ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਠੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਕਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਗਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਬਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।